उट दस हीट एंड लाइट द अर्थ वु आइस कोटेड रॉक जी हाँ ये सूरज की रोशनी ही है जो जब जमीन पर प्लांट्स पर पड़ती है तो फोटो सिंथेसिस के थ्रू आपको फूड मिलता है फिर आपका जो है वो ऑक्सीजन साइकिल जो है उसकी फिनमिना को भी यही सपोर्ट करती है देन यही सोलर एनर्जी जब ओशियंस पर जाती है तो ओशियंस में ओशियानिक करंट बनता है वो आपका क्लाइमेट पैटर्न जो है उसको बनाता है तो सोलर एनर्जी की इंपॉर्टेंस को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता और लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा अहम है लेकिन अगर यही सोलर एनर्जी जो है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हीट को ट्रैप करवाने लगे तो फिर उसके बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग रेपरकशंस हो सकते हैं जैसे जब ज़्यादा एटमॉस्फेयर में हीट होगी तो आपके ग्लेशियर मेल्ट होंगे वो ग्लेशियर मेल्ट होकर आपके फ्लड्स आएंगे ठीक है फ्लड्स आने की वजह से आपके जो है वो समंदर का जो लेवल है वो राइज़ करेगा कोस्टल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी ठीक है दैन फिर आपके वाटर स्ट्रेसिटी की वजह से फेमाइन आ सकते हैं तो ये बहुत सारे फिनिनाज हैं तो हमें एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हीट को ट्रैप करने से रोकना है अच्छा अब एटमॉस्फेयर में हीट ट्रैप क्यों हो रही है उसकी बेसिक रीज़न है ग्रीन हाउस गैसेस तो आज के वीडियो में मैं आपको ग्रीन हाउस गैसेस का जो इफ़ेक्ट है उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ अच्छा इस इफेक्ट को मैंने छह स्टेप में डिवाइड किया द फर्स्ट स्टेप इज आपका सोलर एनर्जी की रेडिएशन जो है वो रीच करती है अर्थ एटमोस्फियर पे किस तरह से अच्छा सूरज जो है आपका इसके अंदर आपके फ्यूजन रिएक्शन हो रहे होते हैं जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है ये हीट आपकी स्पेस के थ्रू आपके अर्थ तक पहुंचती है लेकिन दरमियान में आपकी कुछ हीट जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है अब सवाल पैदा होता है कि रिफ्लेक्ट बैक क्यों होती है अच्छा कुछ तो आपकी ओजोन की वजह से जो है वो फिल्टर हो जाती है और कुछ जो है आपके क्लाउड से इफेक्ट के थ्रू भी रिफ्लेक्ट बैक होती है इफेक्ट क्या होता है इट्स अ टेंडेंसी टू रिफ्लेक्ट बैक द सोलर इनर्जी बाय एनी क्लाउड ठीक है क्लाउड के अंदर टेंडेंसी होती है कि वो सोलर इनर्जी को रिफ्लेक्ट बैक कर दे इसको इफेक्ट कहते हैं जो जैसे ब्लैक बॉडी होती है वो वो टोटल हीट जो है सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है तो उसका अल्बे इफेक्ट जीरो होता है इसी तरह अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो टोटल एनर्जी को रिफ्लेक्ट बैक कर देगी तो उसका अल्बे इफेक्ट वन होगा तो अल्बे इफेक्ट के थ्रू जो है वो कुछ हीट जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है ठीक है कुछ यहाँ से ओजोन के थ्रू तो अच्छी खासी हीट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है लेकिन बाकी जो हीट आपकी अर्थ के अंदर आती है सेकेंड स्टेप में वो जो हीट है आपकी वो डिस्ट्रीब्यूट होती है आपकी अर्थ में किस तरह से अच्छा वाटर के अंदर जो है कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होता है ठीक है तो एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफ़र होता है आपके सब सन एनर्जी जो है वो लैंड अब्जॉर्ब कर लेता है कुछ अच्छा फिर आपकी हवा जो है वो एक खासा रोल प्ले करती है आपकी हीट ट्रांसफ़र के अंदर कन्वेक्शन के थ्रू अच्छा होता क्या है कि जब हवा यहाँ पर आके टकराएगी तो यहाँ से वो हीट हासिल करेगी हीट हासिल करने की वजह से उसकी डेंसिटी बढ़ेगी सॉरी डेंसिटी कम होगी और डेंसिटी कम होने की वजह से वो ऊपर की तरफ मूव करेगी ठीक है अच्छा अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको समझाता चलूँ कि जब पानी सॉरी जब एयर जो है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसके अंदर वाटर मॉइस्चर कंटेंट को एब्ज़ॉर्ब करने की सलाहियत ज़्यादा होती है यानी कि उसकी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो जब यहाँ पे ये यही एयर ऊपर जाएगी ही, जाए, ही ट्रांसफ़र करती हुई ऊपर आप देखते हैं एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर जो है हाइट के थ्रू हमारी ट्रोपोस्पेयर में स्ट्रेटोस्पेयर में कम हो रहा होता है तो यहाँ पे उसका टम्परेचर एयर का कम होगा जिसकी वजह से इसकी मॉइस्चर कंटेंट को होल्ड करने की जो वाटर की सलाहियत है वो कम हो जाएगी तो जो पानी है वो कुछ कंडेंस होगा वो कंडेंस होकर फिर जो है वो आपके एटमॉसफेयर में क्लाउड बनाते हैं ठीक है तो ये यह यहाँ से भी आपकी हीट की जो है वो सर्कुलेशन आपको नज़र आती है देन थर्ड स्टेप में क्या होता है सेकेंड स्टेप में क्या हुआ आपकी हीट डिस्ट्रीब्यूट होगी थर्ड स्टेप में क्या हुआ कि जो हीट अब ऊपर गई थी जो सेकेंड स्टेप में मैंने आपको बताया था उसमें से कुछ हीट जो है वो स्पेस में चली जाएगी ठीक है लेकिन सारी हीट नहीं जाती है कुछ हीट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है ठीक है इसको री re रिफ्लेक्ट भी कह सकते हैं किसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से यहाँ पे वो गैसेज हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेज हैं और उनका काम होता है कि वो हीट को ट्रैप कर लेती हैं उनके अंदर काबिलियत है इस बात की कि वो हीट को ट्रैप कर लें अब जब वो हीट को ट्रैप करेंगी और वापस रिफ्लेक्ट बैक करेंगी अर्थ की तरफ तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो बढ़ता चला जाएगा ठीक है और ये ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से डे बाई डे बढ़ती चली जा रही हैं इसमें मेजर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ठीक है फिर आपका जो है वो अमोनिया हो गया सॉरी आपका मीथिन हो गया वाटर कंटेंट हो गया ठीक है फिर आपके सी एफ सीज हो गए ठीक है क्लोरो फ्लोरोबन और ये सारी आती कहाँ से आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो गई ठीक है फॉसिल फ्यूल का यूज़ हो गया तो इसकी वजह से आपका ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं और जब ये बढ़ेंगी तो ये कम हीट को स्टेप थ्री में बाहर जाने देंगी स्पेस में और ज़्यादा हीट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होगी ठीक है यहाँ पे जैसे ही ये अर्थ की लेयर जो है वो आपकी एटमॉस्फेयर की ग्रीन हाउस गैसेस की बढ़ेगी तो ज़्यादा हीट रिफ्लेक्ट बैक होगी जिसकी वजह से आपका अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो बढ़ता चला जाएगा तो आपका जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसमें क्या होता है ये जो रिफ्लेक्ट बैक होने का प्रोसेस है ठीक है इसमें जो है इस इस इफेक्ट को आप कहते हो ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से आपकी हीट जो है रिफ्लेक्ट बैक हो रही है और आपके जो अर्थ का एटमासफेयर बढ़ रहा है तो इस पूरे फिनमिना को आप ग्रीन हाउस इफेक्ट कह सकते हो <coughs> अच्छा जी अब आपने देखना है कि इफ़ेक्ट क्या है ग्लोबल वार्मिंग के ठीक है इसके लिए मेरी एक वीडियो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि आपके क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग में फ़र्क है इस फर्क को भी आपने तलाश करना है क्लाइमेट चेंज का हरगिज मतलब नहीं होता कि ग्लोबल वार्मिंग हमारे यहाँ इसको सिनोमसली लिया जाता है जो कि एक गलत है गलत तरीक़ा है इसको टैकल करने का तो अगर ऐसे राइटिंग में टॉपिक आता है तो आप वहाँ पर भी जो है वो क्लाइमेट चेंज को ग्लोबल वार्मिंग से सेपरेट रखेंगे ठीक है जिसका एक इफेक्ट मैं आपको यहाँ पे बता भी दूँ लगे आप कि आपके जो वॉल्कनोज होते हैं उनकी इरप्शन की वजह से क्या होता है कि आपका अल्बेडो इफेक्ट बढ़ जाता है क्यों क्योंकि वॉल्कनोज uh, की इरप्शन में सल सल्फ़ेट uh, होते हैं और वो सल्फ़ेट जो है वो एटमॉस्फेयर में जाके uh, जो है वो ऐसे कॉम्पोनेंट बनाते हैं जिनकी वजह से क्लाउड का अल्बेडो इफेक्ट बढ़ जाता है एरोसोल्स बनाते हैं ठीक है थीके? तो उसकी वजह से अल्बेडो इफेक्ट बढ़ने की वजह से जो रिफ़्लेक्शन है वो फर्स्ट स्टेप में ही ज़्यादा होती है ठीक है तो क्या होता है कि कूलिंग इफेक्ट हो जाता है उसकी वजह से तो हर दफ़ा क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट जो है वो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता कूलिंग भी हो सकता है ठीक है और अच्छा खासा एक ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड का एक जो है वो इफ़ेक्ट देखा गया था नाइनटीन में ठीक है एक आ, आपका इप्शन हुई थी वॉलो की नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा ठीक है तो आपने जो है वो डिफरेंस भी देखना है साथ में इफ़ेक्ट को भी देखना है ठीक है ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन था आ, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा थैंक यू सो मच हाफिज़